एक बार की बात है, जैक नाम का एक युवा लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन जैक की माँ, उन्होंने उसे अपनी एकमात्र गाय बेचने के लिए बाजार भेजा। रास्ते में जैक का सामना किसान ब्राउन से हुआ। किसान ब्राउन ने गाय के बदले में जैक को 5 जादुई फलियां देने की पेशकश की। जादू की संभावना से उत्सुक होकर जैक व्यापार के लिए सहमत हो गया। जब वो घर लौटा तो उसकी माँ क्रोधित हो गई और फलियां बाहर फेंक दी खिड़की। जैक को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि फलियां रातों रात विशाल बीनस्टॉक में बदल गई और दूर तक पहुंच गई, बादलों से परे। उसके भीतर जिज्ञासा जगी और वो ऊंची चोटी पर चढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। पौधा, जैसे ही जैक शीर्ष पर पहुंचा, उसने आकाश में एक शानदार महल की खोज की। इसके द्वारा लुभाया गया भव्यता, उसने महल की खोज की और सुनहरे खजाने से भरे एक कमरे पर ठोकर खाई। हालांकि विशाल अचानक प्रकट हुआ, जिससे जैक जल्दी से छिप गया। जैक ने देखा कि विशाल के पास एक सोने के अंडे देने वाली जादुई सुनहरी मुर्गी। उसने एक योजना बनाई और सोने की मुर्गी छीनने में कामयाब हो गया। जबकि विशाल सो रहा था, जैसे ही वो भागने लगा, बीनस्टॉक कांपने लगा। आग बबूला, विशाल जाग गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी कीमती सुनहरी मुर्गी गायब थी। जैक को नीचे भागते हुए देखना बीनस्टॉक, विशाल ने जमीन तक उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भागने की बेताब कोशिश में जैक तेजी से बीनस्टॉक के नीचे पहुंच गया। जैसे ही उसने किया, उसने एक कुल्हाड़ी ली और चल पड़ा। इसे काट रहा हूँ, विशाल नीचे उतरने में असमर्थ, तेजी से गिरते बीनस्टॉक से गिर गया और उससे मिला मृत्यु। विशाल पराजित और हाथ में सुनहरी मुर्गी लेकर जैक आश्चर्यचकित होकर घर लौट आया। माँ, सुनहरे अंडों ने उन्हें प्रचुर धन संपत्ति प्रदान की और वे सदैव सुखी रहे। अंत।